हेलो एवरीवन। तो आज की नई वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुल्फा का साग, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है एंड खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारे इंग्रेडिएंट में यहाँ पे लिया हुआ है 250 ग्राम तक प्याज, एक चम्मच रेड मिर्ची पाउडर, मेथी सीड्स, 5 से 6 हरी मिर्ची और एक पोटी लहसुन। तो ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर हमने हमारे साग को अच्छी तरीके से वॉश करके कट कर लिया हुआ है और हमने इसके पानी को ड्रेन कर दिया है। यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। के 2-3 सेकंड के बाद अब हम इसमें प्याज को भी डाल देंगे। लहसुन और प्याज को हमें अच्छे तरीके से चलाना है, इसे अच्छे तरीके से लाल करना है। ये जितना लाल होगा सब्जी उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी, उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। इसलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से लाल करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है और अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारी मेथी सीड्स। मेथी सीड्स को हमने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि हम पहले डालते तो ये जल जाती। अब हमने यहाँ पे हमारी हरी मिर्ची को भी ऐड कर दिया है और इसको डालने के बाद भी अब हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। यहाँ पे हमारे प्याज लगभग हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे साग को भी डाल देंगे। तो साग बनाते समय आपको एक बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपको इसको वॉश करने के बाद, कट करने के बाद इसको तुरंत ड्रेन कर देना है, वरना जो साग होता है वो बहुत ही ज़्यादा पानी सोख लेता है और आपको फिर सब्जी बनाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जब सब्जी बनती है तो ये साग अपना भी पानी छोड़ देता है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से चलाने के बाद हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। नमक को डालने के बाद हमें इसे फिर से 3 से 4 सेकंड के लिए चलाना है ताकि नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हम हमारे साग को 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमने हमारे साग को ड्रेन करके रखा था तो ये कैसे झटपट बन के रेडी हो चुके हैं। इसे ऐसे ही 2 मिनट के लिए चलाना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची पाउडर हम डाल दिए हैं और अब हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे। अब हम हमारे साग को अच्छे से लाल करके भुनेंगे। हम जितना हमारे साग को भुनेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए हमें इसे अच्छी तरीके से भुनना है। तो फाइनली हमारा जो साग है वो बनके रेडी हो चुका है और अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा ये साग कैसे झटपट बनके तैयार हो गया, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाइए और हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। Thank you so much for watching.